एक तो घर का लोग उनका बताते हैं कि सर ये जो है बात भूल जाते हैं, और जब मरीज से पूछिएगा तो बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, और जब कभी मार्केट में जाते हैं तो देना है 500 रुपया तो चेंज नहीं लेंगे, अगर 300 का सामान लिए 500 दिए तो चेंज छोड़ के चले आएँ, अगर ख़रीदना है 3-4 सामान 2 सामान लेंगे 2 सामान छोड़ देंगे, और कभी सामान ले करके अपने घर के बजाय दूसरे घर में चले जाएंगे, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ द वे, मीन्स मरीज रास्ता भूल जाता है। अगर अगला एडवांस स्टेज में कभी कभी मरीज बाथरूम के जगह पूजा घर में चला जाएगा, लोग कभी कभी कपड़ा जो है दायां बायां उल्टा पहन लेगा, तो ये सब एडवांस स्टेज में ये सब चीज़ भी आती है, लेकिन शुरू में है छोटी छोटी चीज़, जैसे घर में सामान भूल जाना, पैसा कौड़ी भूल जाना, और घर में अगर बाल बच्चा पोता क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं लेना, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड एक्टिविटी, मीन्स घर में जो बूढ़े का काम था वो काम में उनको रुचि नहीं रहा। डॉक्टर साहब एक इससे भी ज़्यादा विकटतम स्थिति आ जाती है जब वो कुछ इमेजिन करने लगते हैं, वो लास्ट स्टेज में होता है जब इमेजिन कर लें जो चीज़ है नहीं उसके बारे में इमेजिन करने लगते हैं, तो ये कौन सी स्थिति में होता वो जो चीज़ है अल्जाइमर डिमेंशिया में थोड़ा कम होता है, एक होता है लेवी बॉडी डिमेंशिया, हम बता रहे हैं अल्जाइमर जो सबसे कॉमन है बाकी सब रेयर है, उसमें होता है कि मरीज को हेलुसिनेशन होने लगता है, सामने कोई चीज़ नहीं है उसे एज्यूम करता है, रात में एक से एक सपना देखा, सपना में डर गया और उठ गया, और मरीज बहुत भयभीत हो जाता है, वो सब अल्जाइमर में होता है लेकिन कम, ज़्यादा ये सब जो हैं डिफ्यूज लेवी बॉडी डिमेंशिया वो सब चीज़ों में होती है। अमूनन जो हम लोग देखते हैं जो कॉमन चीज़ है उसमें भूलना, कपड़ा का ध्यान नहीं रखना, और खाना पीना भी मांगना भूल जाना, और कभी खा भी लिए हैं तो दोबारा उसी खाना को मांगना, घर में रिलेटिव गेस्ट आए हुए हैं लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है क्या बात हो रहा है, क्या पोता का शादी होगा, क्या सामान लाना है, कहाँ एडमिशन कराएगा, ये सब उनको इंटरेस्ट बहुत नहीं रहता है। डॉक्टर साहब जैसा कि पहले भी आपने बताया इसका इलाज अभी तक कोई दवा नहीं खोजी गई है और इलाज परफेक्ट इलाज नहीं है, फिर भी आप हमारे दर्शकों को बताएं इसमें क्या किया जाए जो मरीज बिल्कुल तो ठीक नहीं हो सकते बट कैसे सुधार लाया जाए इसमें। जी, हम लोग सभी मरीज के बाल बच्चों घर का लोग को बताते हैं कि मरीज को कभी जो है अकेलापन महसूस नहीं होने दें, हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग को ज़्यादा कॉमन होता है, तो आप रिटायरमेंट के बाद या बुजुर्ग हो गए हैं गांव घर के अपने भाई पड़ोसी रिलेटिव से मिलते रहें, बाल बच्चा पोता नाती सब लोग साथ रहें, उनसे डिस्कस करें, घर का छोटे मोटे एक्टिविटी में भाग लें, और हरे फल सब्जियां, अपने डायबिटीज़ बीपी सब कंट्रोल रखें, चोट से बचें, और जो दवाइयां निकल गई हैं जैसे डोनेपेजील ग्लेंटामिन और आजकल एक अच्छा दवाई आ गए हैं जिसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आजकल उसका भी बहुत महत्व है और काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा जा रहा है।